स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड में 10th का आज 4th एग्जाम था, यानी कि इंग्लिश का एग्जाम था। एंड उम्मीद है कि आप सभी एग्जाम देके आ चुके होंगे, काफ़ी अच्छा आपका एग्जाम गया होगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो में बताए थे, अगर आप उनको पढ़ के गए होगे तो पेपर तो आपसे आराम से बन गया होगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा आया था, कहाँ से आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, पैसेज किस टाइप के आए थे, ग्रामर के क्वेश्चन कैसे आए थे, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बता सकते हैं, अपना पूरा फीडबैक दे सकते हैं कि पेपर कैसा आया था। क्योंकि आपका फीडबैक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे के आपके जो दो पेपर बचे हुए हैं साइंस का और एसएसटी का, तो उसका प्रेडिक्शन अपन आगे कर पाएंगे। बाकी मैं आपको पूरी आंसर की बता देता हूँ इंग्लिश के पेपर की, जहाँ से आप अपने पूरे आंसर मैच कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, वहाँ पर आपको सर्च करना है cmhelp.in। फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, थोड़ा सा नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिख जाएंगे, ऊपर तो आपको बोर्ड एग्जाम का सेक्शन दिख जाएगा, नीचे आपको एक आंसर की का सेक्शन दिख जाएगा। दोनों ही सेक्शन में आपको 10th के इंग्लिश की के आंसर की के सर्वर दिख जाएंगे, इस पर आपको एंटर कर देना है। थोड़ा सा नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ से आप चाहें तो अपना पेपर डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। वैसे तो आपके पास पेपर हो गई, आपको तो आंसर मैच करने हैं, तो उसी के नीचे आपको एक सोल्यूशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप जैसे एंटर करोगे तो आपका जो ग्रामर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी के आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपने सही किए या फिर नहीं किए हैं। बाकी आपके जो पैसेज के ऑब्जेक्टिव होते हैं या फिर आपकी टेक्स्ट बुक से जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उन सभी के आंसर आप यहां से बड़े ही आराम से चेक कर सकते हो। आप यहां से सारे ही सेट के आंसर चेक कर सकते हो, आपके पास जो भी सेट आया हो, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, चारों ही सेट के आपको यहां पर आंसर की दी जाती है। एंड वैसे अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, उसमें आपका भी ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इससे अच्छा यही रहेगा कि आपने जो भी आंसर किए हैं वो आप यहां से आके मैच कर सकते हैं, डायरेक्ट उनको आप यहां पे देख सकते हैं कि आपने क्या आंसर किए थे एंड सही आंसर क्या है। बाकी अपना स्कोर कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि 75 में से आप कितना स्कोर कर रहे हो। बाकी आपके आगे दो पेपर और बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे अपन कि उनके ऊपर भी स्ट्रेटेजी वीडियो कवर करें, उसमें आपको कैसा क्या करना चाहिए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। खासकर सीएम राइज स्कूल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी पेपर में आप देखोगे तो सीएम राइज स्कूल के जो पीडीएफ आए थे उनमें से क्वेश्चन पूछे गए। तो आगे के पेपर की बात अपन आगे की वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।